नमस्कार, वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। जिला प्रशासन द्वारा रायगढ़ जिले को 14 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक लॉकडाउन किया गया है, ताकि किसी हाल में कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन भी खूब मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर कड़ी कार्यवाही के साथ साथ जुर्माना भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। रायगढ़ जिले में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ रखा है। 19 अप्रैल को जिले में 956 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले धरमजयगढ़ में कोरोना का आंकड़ा कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन 19 अप्रैल को एक बार फिर कोरोना का आंकड़ा डरवाने लगा है। धरमजयगढ़ क्षेत्र के कई गांव हॉटस्पॉट बन गए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग बाग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना मरीज के नाम के साथ लिस्ट सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बना सकें। 19 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना मरीजों के लिस्ट देखने से ऐसा लगता है कि धरमजयगढ़ वासियों के लिए स्थिति खतरनाक होती जा रही है। लिस्ट में 98 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। क्षेत्र के गांव-गांव में जिस कदर कोरोना के पांव पसार रखा है, इससे तो लगता है कि कोरोना और अधिक तांडव मचाएगा। कोरोना और तांडव न मचा सके, इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का सही तरीके से पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धरमजयगढ़ से कुमारी उमा यादव की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।